Good morning, everyone. This is Rupesh Tamar from Layal Public School. Yes, in our today's class, we will do opposite words in our English notebook. आज की क्लास में हम क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे हमारे इंग्लिश के नोटबुक में. अपोजिट क्या होते हैं? अपोजिट आपने कुछ वर्ड्स पहले भी किए थे, है ना? तो बट अभी क्या है, जो वर्ड्स आपने पहले किए थे उससे डिफरेंट है. सारे वर्ड्स है तो सारे ही अलग हैं, ठीक है? सेम वर्ड्स नहीं है. ऑपोजिट मीन्स क्या होता है? किसी वर्ड का उल्टा अर्थ, है ना? उसका उल्टा मीनिंग, उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है? जैसे मैं बोल रही हूँ स्टैंड, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सिट, मतलब खड़े होना, बैठ जाना. तो ये सब क्या है? ये क्या है? ऑपोजिट है. किसी भी वर्ड का उल्टा अर्थ क्या होता है? उसका ऑपोजिट होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे अपोजिट से, हमारी क्लास से, फर्स्ट नंबर वन से. नंबर वन पे मैंने लिखा है एफ यू डबल एल फुल. एफ यू डबल एल फुल. और एक बात आपको याद रखनी है, यू विल लर्न बोथ साइड्स ऑफ स्पेलिंग. ओके, इन अपोजिट यू विल लर्न बोथ साइड्स ऑफ स्पेलिंग बिकॉज आई विल गिव यू सम टाइम एम्प्टी. फुल का ऑपोजिट क्या होता है? एम्प्टी होता है. देन आई विल राइट हियर एम्प्टी, देन यू विल राइट द अपोजिट ऑफ एम्प्टी इज फुल. ओके, तो आपको क्या लिखना होगा? उसका अपोजिट फुल लिखना होगा. तो इसलिए आपको क्या करना होगा? दोनों साइड की, बोथ साइड की स्पेलिंग लर्न करनी होगी. पहले आप मेरे साथ फुल की स्पेलिंग एक बार रिपीट करेंगे. एफ यू डबल एल फुल. एफ यू डबल एल फुल. फुल मीन्स क्या होता है? भरा हुआ. फुल मीन्स क्या होता है? भरा हुआ. और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? भरा हुआ का ऑपोजिट क्या होता है? खाली. तो खाली किसको बोलते हैं? एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स खाली. तो एम्प्टी की स्पेलिंग मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, आप मेरे साथ टिक करके राइट करेंगे. ई एम पी टी वाई एम्प्टी. ई एम पी टी वाई empty, full, empty, empty, full, full, empty, empty, full. Okay, आप फिर से रिपीट करेंगे. E M P T Y empty, E M P T Y empty, F U double L full, E M P T Y empty. Okay, तो ये क्या है? Full, empty. Full का opposite empty, empty का opposite full. Empty, full, full, empty, empty, full. ऐसे ही हम next करेंगे. Next है S A M E. Same. Same means एक जैसा. Same means एक जैसा, है ना? आप सब स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो, तो वो कैसी यूनिफॉर्म होती है? सेम यूनिफॉर्म होती है ना? सब सब जो ड्रेस पहनते हो वो सेम ड्रेस होती है, है ना? आपकी यूनिफॉर्म सेम होती है. बट अगर कोई आप ओकेजन में जाते हो, किसी कोई फंक्शन में जाते हो, तो वहां सबने एक जैसे सब सेम यूनिफॉर्म तो नहीं पहनी होती है ना? सेम ड्रेसेस नहीं पहनी होती है. तो सेम डिफरेंट. सेम का ऑपोजिट क्या होगा? डिफरेंट मीन्स अलग अलग. अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते ना, सेम डिफरेंट. अब डिफरेंट की स्पेलिंग डी आई डबल एफ ई R E N T different. D I double F E R T N T different. बेटा जो स्पेलिंग बिग होती है तो आप उसको कैसे लर्न करोगे? उसके पार्ट करके, ठीक है? देखो D I double F E R E N T different. फ्रेंड हमने कितने पार्ट किए हैं इसके? डिफरेंट की स्पेलिंग के थ्री पार्ट, है ना? तो हम क्या करेंगे? इसको थ्री पार्ट में लर्न करेंगे. डी आई डबल एफ ई आर ई एंड टी डिफरेंट. सेम डिफरेंट. डिफरेंट सेम. फुल एम्प्टी. एम्प्टी फुल. नेक्स्ट है डी आई आर टी वाई डर्टी. रिपीट विद मी. D I R T Y dirty. D I
आर टी वाई डर्टी, डर्टी मीन्स क्या होता है गंदा। और जब भी आप नेल्स आपके कटे नहीं होते हैं, कट नहीं होते हैं, तो मैम क्या बोलते हैं डर्टी नेल्स हैं आपको, आपके नेल्स डर्टी हैं। यूनिफॉर्म अगर आपकी गंदी होती है, मैली होती है, तो मैम क्या बोलती है डर्टी यूनिफॉर्म क्यों पहन के आए हो, है ना, यूनिफॉर्म क्लीन करवाना, नेल्स क्लीन करवाना, ऐसे बोलते हैं ना मैम, नेल्स कट करवाना। तो आपको क्या करना है, डर्टी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा क्लीन, डर्टी का ऑपोजिट क्लीन। क्लीन की स्पेलिंग बहुत इजी है, सी एल ई ए एन क्लीन, सी एल ई ए एन क्लीन, सी एल ई ए एन क्लीन। फुल एम्प्टी सेम डिफरेंट डर्टी क्लीन, फुल एम्प्टी सेम डिफरेंट डर्टी क्लीन। क्लीन की स्पेलिंग सी एल ई ए एन क्लीन, सी एल ई ए एन क्लीन। नेक्स्ट है ओ पी ई एन ओपन, ओ पी ई एन ओपन मीन्स खुला हुआ, ओपन मीन्स खुला हुआ। तो हम बंद को क्या बोलते हैं क्लोज, ओपन का ऑपोजिट क्या होगा क्लोज। क्लोज की स्पेलिंग सी एल ओ एस ई क्लोज, सी एल ओ एस ई क्लोज, सी एल ओ एस ई क्लोज, सी एल ओ एस ई क्लोज। नेक्स्ट है एस टी ओ पी स्टॉप, एस टी ओ पी स्टॉप, स्टॉप का ऑपोजिट क्या हो जाएगा स्टॉप मीन्स स्टार्ट, स्टॉप मीन्स रुको, स्टार्ट मीन्स चालू करो, वापस से स्टार्ट करो। तो स्टॉप का ऑपोजिट क्या होगा स्टार्ट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टार्ट, राइट द स्पेलिंग ऑफ स्टार्ट एस टी ए आर टी स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, स्टार्ट स्टॉप, ओके। नेक्स्ट है एफ ए टी फैट, एफ ए टी फैट, तो फैट का ऑपोजिट क्या होगा स्लिम, है ना, फैट का ऑपोजिट स्लिम। तो स्लिम की स्पेलिंग लिखेंगे हम यहाँ पे एस एल आई एम स्लिम, एस एल आई एम स्लिम, स्टॉप सॉरी स्टॉप स्टार्ट फैट स्लिम, स्टॉप स्टार्ट फैट स्लिम। नेक्स्ट है एफ ए एस टी फास्ट, फास्ट मीन्स तेजी से, है ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज करवाते हैं जब क्या बोलते हैं रोल योर हैंड फास्टली, है ना, तो हम क्या करते हैं फास्ट फास्ट, ऐसे जब हम स्लोली बोलते हैं तो स्लो स्लो, है ना, तो फास्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा स्लो, फास्ट स्लो, फास्ट स्लो, ओके। स्लो की स्पेलिंग एस एल ओ डब्ल्यू स्लो, एस एल ओ डब्ल्यू स्लो, सॉरी। नेक्स्ट है ओ एल डी ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या होता है, ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है। तो ओल्ड के अगर हम ओल्ड का ऑपोजिट न्यू लिखते हैं तो भी वो राइट है, अगर हम ओल्ड का ऑपोजिट यंग लिखते हैं तो भी वो राइट है, ओके बेटा, इज दैट क्लियर। ओल्ड का ऑपोजिट, ओल्ड का मीनिंग क्या होता है, ओल्ड मीन्स न्यू भी सॉरी पुराना भी होता है, और ओल्ड मीन्स क्या होता है बूढ़ा भी होता है, तो हम कोई भी ऑपोजिट किसका लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ न्यू, एन ई डब्ल्यू न्यू, एन ई डब्ल्यू न्यू, ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड,
मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको दोनों साइड की स्पेलिंग लर्न करनी है। तो आपको ओल्ड की स्पेलिंग भी लर्न करनी है, न्यू की स्पेलिंग भी लर्न करनी है। अगर यहाँ पे आपके न्यू लिखा होता है तो आप ओल्ड लिखोगे, अगर यहाँ पे आपके यंग लिखा होता है तो भी आप ओल्ड ही लिखोगे। ओके बेटा, नेक्स्ट है एल आई जी एच टी, लाइट। एल आई जी एच टी लाइट। लाइट मीन्स क्या होता है? उजाला, रोशनी। और अंधेरे को क्या बोलते हैं हम? डार्क। तो डार्क की स्पेलिंग डी ए आर के, डार्क। डी ए आर के डार्क, डी ए आर के डार्क। लाइट डार्क, डार्क लाइट, लाइट डार्क, डार्क लाइट। नेक्स्ट है एफ आई आर एच टी, फर्स्ट। एफ आई आर एच टी फर्स्ट, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? लास्ट। एल ए एस टी लास्ट, एल ए एस टी लास्ट। नेक्स्ट है ओ एल डी ओल्ड, सॉरी मैंने बार टू टाइम्स लिखनी है ना, ओल्ड ओल्ड। तो हम यहाँ पे ड्राई लिख देंगे, ओल्ड की जगह हम ड्राई कर देते हैं। ओके, ड्राई, डी आर वाई, ड्राई। ड्राई का क्या हो जाएगा? वेट। ड्राई मीन्स गीला, वेट मीन्स सूखा, ड्राई मीन्स गीला, वेट मीन्स सूखा, सॉरी 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 सॉरी, ड्राई मीन्स सूखा, वेट मीन्स गीला। मैंने थोड़ा सा अपोजिट रॉन्ग बोल दिया था ना, तो ड्राई मीन्स सूखा, वेट मीन्स गीला। तो ड्राई का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेट, डब्ल्यू ई टी वेट, डब्ल्यू ई टी वेट। वेट मीन्स गीला, ड्राई मीन्स सूखा। नेक्स्ट है एस ओ एफ टी सॉफ्ट, एस ओ एफ टी सॉफ्ट। सॉफ्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हार्ड। सॉफ्ट हार्ड, हार्ड की स्पेलिंग एच ए आर डी हार्ड, एच ए आर डी हार्ड। तो बेटा मैंने आपको ये 12 अपोजिट करवाए हैं, आपको ये अपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और लर्न भी करने हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एफ यू डबल एल फुल, ई एम पी टी वाई एम टी फुल, एम टी सेम डिफरेंट, डर्टी क्लीन, ओपन क्लोज, स्टॉप स्टार्ट, फैट स्लिम, फास्ट स्लो, ओल्ड न्यू, लाइट डार्क, फर्स्ट लास्ट, dry, wet, soft, hard, okay? तो आपको ये सारे opposite learn भी करने हैं और अपने notebook में write भी करने हैं। Okay, bye bye, take care.